नमस्कार, मैं मधु और आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल बगिया की महक। आज मैं कोलियस की एक ऐसी वैरायटी से आपको मिलवाने जा रही हूँ जो बहुत ही हार्डी है, जिसमें पिंचिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ से भी इसकी कोई पत्तियाँ वगैरह गिरती हैं वहीं से न्यू स्टेम आनी शुरू हो जाती है और प्लांट घना होता जा रहा है। ये देखिए, ये प्लांट मेरा इसी प्रकार से ही घना हुआ है, मैंने इसमें कोई पिंचिंग नहीं की और ये इतना सुंदर लग रहा है कि सभी को अच्छा लगता है। जो भी मेरे गार्डन में आते हैं सबसे पहले इस प्लांट को देखते हैं। और इसकी आप लीव्स देखिए, इससे अगर आपको कुछ पता चलता है कि ये कौन सी वैरायटी है तो मुझे ज़रूर बताएं। आपको भी कहीं से भी ये वैरायटी मिलती है तो आप ज़रूर इसको अपने गार्डन में ऐड करें। और इसकी सोयल है जो मैं कुछ खास नहीं बनाती, इसमें मैंने बस 20% कंपोस्ट मिलाई और बाकी गार्डन सोयल है। और हर 5 महीने बाद मैं इसमें 2 मुट्ठी कंपोस्ट ऐड करती हूँ। इसी से ये प्लांट बहुत बढ़िया चल रहा है। ये कम से कम 9-10 महीने से मेरे पास है और इसमें जो इसकी स्टेम होती है वो बहुत टेंडर होती है। अगर हवा थोड़ी सी तेज़ चलती है तो वो टूट जाती है। कई बार टूटी है तो मैं उसको ग्रो कर लेती हूँ, उससे भी मेरे बहुत सारे प्लांट्स बन गए हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत बढ़िया चल रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इस वैरायटी की खास बात ये भी है कि ये हर मौसम में ग्रो हो रहा है, यानी इसकी ग्रोथ रुकी नहीं है। और इसमें कलर वेरिएशन जो पत्तों में है वो भी बना हुआ है, जबकि गर्मियों में तेज में हो जाता है ख़राब। ये देखिए, ये इसके फेड हो रहे हैं, लेकिन इसके देखिए बहुत ही ब्राइट कलर है। कोलियस प्लांट के ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह जो होती है वो पानी होता है। अगर हम इसको पानी ज़्यादा दे दें तभी ख़राब होता है। मैं जब इसकी मिट्टी सूखती है तभी पानी देती हूँ, और पानी भी इतना देती हूँ कि मिट्टी है जो वो बस मॉइस्ट रहे, गीली मत हो। इसीलिए मेरे पास ये सारे प्लांट्स बने हुए हैं। और ये जो स्टेम टूट जाती थी वो मैं इस प्रकार से मिट्टी में लगा लेती हूँ। ये देखिए, ये भी कितना घना हो गया है। और ये देखिए, इसमें कुछ कलर अलग है क्योंकि ये छाया में पड़ा है, और ये मैंने पानी में लगाई हुई है। पानी में ये 15 से 20 दिन ही हुए और इसमें रूट्स देखिए कितना जाल सा बिछ गया है। तो पानी में भी मैं इस प्लांट को ग्रो कर रही हूँ। यदि आप कोलियस पहली बार अपने गार्डन में ऐड कर रहे हो तो उसकी एक स्टेम काट के पानी में ज़रूर लगाएं, इससे प्लांट आपके पास हमेशा बना रहेगा। और ये एक और स्टेम टूट गई थी, वो मैंने लगा दी, और आप इसको भी देख रहे हो कितना अच्छी ग्रोथ है इसकी, और आपको बुशी नज़र आ रहा होगा जबकि इसकी भी मैंने बिल्कुल पिंचिंग नहीं की। तो कोलियस में भी अब बहुत सारी ऐसी वैरायटीज आ गई हैं जो कि बिना पिंचिंग किए भी घनी हो जाती है। तो ये देखिए आप, ये सिंगल स्टेम हैं और अपने आप ही न्यू स्टेम्स इसमें निकल के आ रही हैं। कोलियस प्लांट के बारे में अगर आप कोई और जानकारी भी चाहते हो तो मुझे कमेंट करें, और इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें क्योंकि यह बिना फूलों के भी बहुत ही सुंदर प्लांट है। इसी के साथ ही मैं आज की यह वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।